जीवन में हंसना बहुत ज़रूरी है। हंसने से शरीर स्वस्थ रहता है, खुश रहने से इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो किसी भी बीमारी के उपचार को शरीर अच्छा प्रतिसाद देता है। कैंसर की बीमारी में भी यह आवश्यक है। यह बात विभागीय आयुक्त डॉक्टर माधवी खोड़े चवरे ने कही है। वीराष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में आयोजित सर्वाइकल मीट कार्यक्रम में बोल रही थी। कार्यक्रम के दौरान कैंसर से स्वस्थ हो चुके लोगों ने अपनी कहानियां साझा की। उन्होंने कैंसर को किस तरह मात दी, डॉक्टरों की भूमिका, उपचार आदि के बारे में बताया। राष्ट्रीय संत तुकड़ो जी महाराज कैंसर हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर करतार सिंह, सचिव अनिल मालवीय, अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर कृष्णा सिरमनवार आदि उपस्थित थे। सभी ने कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, अस्पताल में उपलब्ध जांच व उपचार पद्धति, मोबाइल वैन आदि की जानकारी दी। अस्पताल के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों को उपचार करते समय आए अनुभव, मरीजों की स्थिति आदि की जानकारी दी। उपस्थितों ने आम लोगों को कैंसर के शुरुआती लक्षण दिखते ही जांच व नियमित उपचार करने की सलाह दी। डॉक्टरों ने बताया कि पहले चरण में ही कैंसर का पता चलने पर रोगियों को आसानी से उपचार किया जा सकता है। संचालन डॉक्टर बी के शर्मा ने किया। देखिए, मैं आपको एक बताता हूँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर जो मरीज है कैंसर का, उसका सबसे ज़्यादा जो एक सहारा होता है वो उसके परिवार होता है। और परिवार एक ऐसी चीज़ है कि परिवार ही दौड़ सकता है और कोई नहीं दौड़ सकता। इसलिए हम जो इतने सालों से यहाँ देख रहे हैं कि आज जो आपने सर्वाइवर लोगों से आपने मुलाकात की आपने, तो उसमें उनके परिवार की बहुत बड़ी है, बड़ा हाथ है, क्योंकि वो दिन रात उनकी सेवा करते हैं। उन्हीं को मालूम है कि उनका उनके उस मरीज का क्या दर्द होता है। और सही देखा जाए तो हम परिवार को पहला स्थान देते हैं। आज हमारे कैंसर के सर्वाइवर की मीट में आपने देखा कि आज उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि परिवार उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और परिवार ही के कारण ही वो आज आपको एक इतने अच्छे स्वस्थ और खुश और मिजाज दिख रहे हैं। एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसको साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं, और कई ऐसे हमारे मेडिकल सोशल वर्कर भी है, आप जैसे देख रहे होंगे अभी, ये सभी लोग हमारे मेडिकल सोशल का काम करते हैं। ये उन लोगों को पूरा एक प्रकार की जानकारी देते हैं कि भाई आप कैंसर से डरिए मत। कैंसर ऐसा अगर एक बहुत ये मत समझिए कि इससे अब तो मैं गया, ऐसी बात नहीं है। कैंसर को हम जीत सकते हैं, हमारे में पॉजिटिवनेस होना चाहिए और हम ये सोच लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी, अगर इसकी बड़ी बड़ी अगर स्टेजेस भी हो तो भी हम उसमें काबू कर सकते हैं। तो यही है कि हमारे यहाँ के जो लोग साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनको पूरी बात को समझाते हैं। ये जून का महीना कैंसर सर्वाइवर्स मंथ था। इसमें हमने 12 कैंसर के जो पेशेंट हैं जिन्होंने अपनी बीमारी का इलाज करके उस पर विजय पाई है, इसमें 3 मुख्य कैंसर हैं। एक तो मुँह का कैंसर है, ओरल कैविटी वाला, दूसरा सीए ब्रेस्ट है और तीसरा सीए सर्विक्स है। ये तीनों ही कॉमन है और इसी के हमने पेशेंट लिए थे ये बताने के लिए आम पब्लिक को कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, समय पर अगर इलाज करवाएं, अर्ली स्टेज में इलाज करवाएं तो ये पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। इसमें हमारे 12 से या 12 साल से भी ज़्यादा के ऐसे पेशेंट थे जो पूर्ण स्वस्थ हैं इलाज करने के बाद। विभागीय आयुक्त ने कहा कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचना हो तो उसका प्रारंभ से ही नियमित उपचार करना चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार कराना और समय पर औषधि का सेवन जरूरी है। अपनी मर्जी से डॉक्टर बदलना या नियमित जाँच न करवाना और दवाइयाँ बंद करना घातक हो सकता है। लापरवाही बरतने पर यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। जे कैंसर चे सर्वाइवर्स आहे त्यांचा आता त्यांच्यासोबत आम्ही संवाद साधला, त्यांना सत्कार देखील केला आणि त्याच्यातून एकच समजलं की कैंसर कुठल्याही स्टेजला निदान झालं त्याचं तरी पण ती कैंसरग्रस्त व्यक्ती स्वतःचं मन अगदी स्ट्रॉंग ठेवून जे डॉक्टरांनी जी ट्रीटमेंट दिलेली आहे ती व्यवस्थित घेऊन त्याच्यावर उपचार हा संभव आहे। त्याच्यामुळे कॅन्सर ग्रस्तांकडून ज्या सर्वायवर्सकडून आज जी प्रेरणा मिळाली आहे त्याच्यामुळे कॅन्सर जेव्हाही डिटेक्ट झाला कोणाला त्यांनी कृपा करून कुठल्याही डिप्रेशनमध्ये जाऊ नये आणि त्याचं योग्य वेळी निदान आणि ट्रीटमेंट ही करून घ्यावी आणि डॉक्टरांनी जी ट्रीटमेंट सांगितली आहे त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा डाऊट न घेता ती ट्रीटमेंट पूर्ण वेळोवेळी
करायला पाहिजे, कारण ज्याला कॅन्सर होतो तो त्याला ते दुःख असतंच, पण त्याला कॅन्सरमधून बाहेर काढणे आणि जे आपण मेडिसिन घेतो त्याचा बॉडीवर जो परिणाम होतो कॅन्सरच्या रुग्णाचा, तो बॉडीवर होणारा परिणाम हा मानसिक लेवलवर पण असतो. जर मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थित असेल तर इम्युनिटी ही चांगली राहते आणि औषध व्यवस्थित काम करतं. त्याच्यामुळे जो कॅन्सरग्रस्त असतो त्याची जी परिवार आहे त्याचं खूप मोठं योगदान असतं कॅन्सर रुग्णाला त्याच्या कॅन्सरसोबत युद्ध करायला आपण एक म्हणू तर. कॅन्सरग्रस्तांच्या परिवाराचं मनोबल हे खूप चांगलं असणे आणि त्याच्यामुळे त्याची ट्रीटमेंट बरोबर होणे, त्याला तो जो कॅन्सरग्रस्त असतो त्याला डिप्रेशनमध्ये जाऊ न देणे, हे सगळं काम त्याचं परिवार करत असतं. तेव्हा खूप म्हणजे मी घाबरलेली होती, पण घरच्या लोकांनी मला खूप साथ दिला त्याच्यामुळे मला बरं वाटलं. मुलं पण छोटे होते तेव्हा आणि मला ब्लड कॅन्सर झालं पण सांगितलं पण नव्हतं मला. मग काही दिवसांनी सांगितलं, मग महिने 8-8 दिवसांनी ब्लड वगैरे द्यायचे मला. त्याच्यानंतर मला माहिती झालं का ब्लड कॅन्सर आहे. आधी आम्ही काने डॉक्टरकडे गेलो, तिथं आम्ही ब्लड वगैरे टेस्ट केली, मग ती मुंबईला पाठवली. त्यानंतर मुंबईवरून रिपोर्ट आल्यानंतर माहिती झालं म्हणजे ब्लड कॅन्सर आहे बा म्हणून. मग आम्ही 2-3 महिने कानेकडली औषधी घेतली आणि मग त्यांनी सांगितलं का तुकडोजीमध्ये जावा, म्हणून मग इथली सुरू केली आम्ही. NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट.